एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर संसद मार्ग पर यहाँ पर बर्मा के अंदर मुसलमानों पे हो रहे अत्याचारों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन है। जो आज जो इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर हैं, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इन मुसलमानों के संबंध में कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं, आइए हम उनसे मिलते हैं। बर्मा के अंदर जो इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है, इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब है सर? देखा जाए तो ये इंसानियत के लिए बड़ी शर्मसार की बात है। कहीं भी इंसान हो, कहीं का भी इंसान हो, उसका कत्लेआम नरसंहार सीधे सीधे ये गवर्नमेंट की तरफ सरकारी हो रहा है। ये नगर कुछ ही जो कत्लेआम हो रहा है वो सरकार की तरफ से हो रहा, वहाँ की आर्मी कर रही है, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, जो ये नहायत ही गलत चीज़ है। कहीं कत्लेआम नहीं होना चाहिए। हमारी जो है मांग है, हमारी अपने प्रधानमंत्री जी से मांग ये है कि एक तो वहाँ जो कत्लेआम हो रहा है उसको वो बंद होना चाहिए, दूसरे जो वहाँ के जो विस्थापित रोहिंग्या मुसलमान इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर, देश के अंदर जो आए हुए हैं, उनको यहाँ से भेजने की बात सरकार कर रही है। अगर वो भेजेंगे तो वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि वहाँ से वो तो भगाए जा रहे हैं और हर कहीं भी कोई मुल्क में जगह उनको मिल नहीं रही है, तो रहेंगे कहाँ? तो इसलिए हमारी एक तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन ये है कि उनको भेजा ना जाए जब तक वहाँ पे उनको रहने की जगह नहीं मिल जाए वहाँ पे। ये हमारी मांग। सर, अभी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी बर्मा गए थे, तो उस संबंध में आप बताएं। हमारे जो प्रधानमंत्री जब गए थे बर्मा में, उन्होंने बात तो हमें पता चला कि उठाई तो है वहाँ पे इस तरह की बात कि वो कत्लेआम बंद होना चाहिए, लेकिन हम मैं चाह रहा था कि हमारे जो है प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे उनको सख्ती से ज़रा वार्न करते, चेतावनी देते कि भाई ये जो है गलत है, एक किसी भी इंसान का ये मानवता के खिलाफ है, कहीं कत्लेआम नहीं होना चाहिए। वो लोग हैं, अगर कत्लेआम होगा, अगर वार्न करने थोड़ा सा तो हो सकता है वो बंद हो जाता, लेकिन खैर इन्होंने बात उठाई, लेकिन बहुत सख्ती जो करनी चाहिए तो वो नहीं किया प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद।